महीने से गोरखपुर जेल में बंद यूक्रेन मॉडल डारिया मोलचन को आज हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। रिहा होने पर डारिया ने कहा कि वो जेल में रोजाना गायत्री मंत्र का जाप किया करती थी। तो वहीं मॉडल के रिहा होने पर उनके वकील ने ये जानकारी दी है। नाम जुगल किशोर मिश्रा। आप डारिया मोलचन के वकील हैं जी। अच्छा, क्या हुआ, कब ये अरेस्ट हुई थी, क्या वजह थी और क्या हुआ, अभी जमानत मिल पाई है? 2 अप्रैल 2018 गिरफ्तार हुई थी, उसके बाद हाई कोर्ट से उसका बेल हुआ, अब आज उसका जो है रिहाई हो जाएगी जी। क्या फैसला दिया जज साहब? जज साहब, पहले से फैसला हाई कोर्ट से आया हुआ है कि इनको जो है 2-2 लाख की सिक्योरिटीज पर रिहा किया जाए। आज जमानतदार पेश हुए हैं, जमानत मंजूर हो गया है, रिहाई परवाना भी चला जाएगा। अच्छा, कौन जमानतदार है, कहाँ से है? ये चीज़ें आप हमसे मत पूछें, वो जाकर आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, और भी जगह आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये सब नहीं। सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए पासपोर्ट इनके पास नहीं है, तो क्या जज ने ये भी कहा है कि कुछ घंटों के अंदर ही अपने एम्बेसी चली जाए या नहीं? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो जेल मैनुअल के अनुसार जेल अधीक्षक कोर्ट के आदेश का अनुपालन। तो सुनिए पुलिस का इस मामले पर क्या कुछ कहना है। विदेशी राष्ट्र का डारिया मोलचन जो यूक्रेन की निवासी है, उन्हें से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। एसटीएफ उसके बाद थाना कैंट पर इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 293/2018 पंजीकृत हुआ, अंतर्गत धारा 419, 420, 467, और जो फॉरनर एक्ट है 1946 का, उसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत प्रकरण विवेचनाधीन है, उसकी विवेचना निरीक्षक कुशल पाल सिंह और उनकी टीम कर रही है। बताते चले आपको, दिल्ली में मॉडलिंग करने वाली डारिया पर देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी लीक करने का आरोप है, और जैसे ही इस बात का शक इंटेलिजेंस ब्यूरो को हुआ, उसने तुरंत डारिया मोलचन के बारे में एसटीएफ को सूचना भेजी थी, और फिर एसटीएफ ने गोरखपुर के होटल से 20 साल की डारिया को गिरफ्तार कर लिया था। डारिया के खिलाफ ये भी आरोप था कि वो हनी ट्रैप के जरिए कई उद्योगपतियों को भी फंसा चुकी है। एसपीएन 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।